पॉलिटिकल साइंस आज का हमारा सब्जेक्ट रहेगा 10th क्लास का, और जो टॉपिक रहेगा अपना वो है पॉलिटिकल पार्टीज़। तो आज के टॉपिक में हम बात करेंगे पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में, कि पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होती हैं, इनकी मीनिंग क्या है, इनका फंक्शन क्या है, और पॉलिटिकल पार्टीज़ का रोल क्या होता है। तो ये हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, यानी कि पॉलिटिकल पार्टी हम किसको कहते हैं, पॉलिटिकल पार्टी किस चीज़ का नाम है। सो बेसिकली अ पॉलिटिकल पार्टी इज़ ए ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शंस एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। तो पॉलिटिकल पार्टी जो होती है, ये लोगों का एक ग्रुप होता है, लोगों का एक ग्रुप होता है जो मिलके कंटेस्ट करते हैं इलेक्शंस, जो मिलके इलेक्शंस में हिस्सा लेते हैं, और उसके बाद अपनी एक गवर्नमेंट बनाते हैं, अपने एक गवर्नमेंट बनाती है इफ़ इट गेट्स मेजॉरिटी ऑफ वोट्स। से अगर इलेक्शन में ए बी एंड सी तीन पार्टीज़ हैं, तो तीनों पार्टीज़ ने क्या किया, उन्होंने अपने कैंडिडेट्स को चूज़ करा इलेक्शंस के लिए, और ए पार्टी का जो है उनको मेजॉरिटी में उनको सबसे ज़्यादा वोट्स मिलते हैं, तो वो पार्टी ऑथराइज्ड होती है अपनी गवर्नमेंट बनाने के लिए। एक पॉलिटिकल पार्टी जो होती है उसके चार कंपोनेंट्स होते हैं। तो चार कंपोनेंट जो एक पॉलिटिकल पार्टी के होते हैं, सबसे पहला जो आता है दैट इज़ आइडियोलॉजी। तो पहला पॉइंट जो है वो पॉलिटिकल पार्टी का जो कंपोनेंट है वो है आइडियोलॉजी। सो द आइडियोलॉजी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, इस पॉलिटिकल पार्टी का क्या आइडियोलॉजी, इनका विजन क्या है, इनका मिशन क्या है, वो सब इसमें आ जाता है, वो सब इसमें इंक्लूड होता है आइडियोलॉजी में। तो नंबर सेकंड जो आता है दैट इज़ द लीडर्स, यानी कि इस पॉलिटिकल पार्टी में क्या क्या लीडर्स हैं, कौन कौन से लीडर्स आते हैं। नंबर थर्ड में आ गया एक्टिव मेंबर्स, एंड देन कम्स द फॉलोअर्स, यानी कि इस पॉलिटिकल पार्टी को कितने लोग फॉलो करते हैं। तो अगर हम बात करें कि पॉलिटिकल पार्टीज़, हाउ मेनी पॉलिटिकल पार्टीज आर देयर इन इंडिया, तो इंडिया की अगर हम बात करेंगे, सो इन इंडिया वी हैव 750+ पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज विच आर रजिस्टर्ड। सो हम ये कहेंगे, हम ये लिखेंगे विच आर रजिस्टर्ड, ठीक है ना। तो हमारे पास इंडिया में 750+ पॉलिटिकल पार्टीज विच आर रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो सम मेजर पार्टीज़ की बात करते हैं इंडिया में, जो प्रेजेंट सिनेरियो में हमारे पास जो मेजर पार्टीज़ हैं, से अगर हम पहले बात करेंगे INC, विच डिनोट्स इंडियन नेशनल कांग्रेस। सो इंडियन नेशनल कांग्रेस, अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करेंगे, इट वाज फाउंडेड इन 1885। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टीज, नॉट ओनली इन इंडिया बट इन द वर्ल्ड। ये दुनिया में ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टीज में से एक पार्टी है। तो उसके बाद अगर हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की, यानी कि BJP, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी है, अगर हम इसकी बात करेंगे तो दिस पार्टी वाज फाउंडेड इन 1980, 1980 में इस पार्टी को, इस पार्टी की जो एस्टेब्लिश किया गया था, बनी थी। तो सो इंडियन नेशनल कांग्रेस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट, वन ऑफ द ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टीज इन द वर्ल्ड, एंड भारतीय जनता पार्टी विच वाज एस्टेब्लिश एंड विच वाज फाउंड इन 1980। तो बात कर रहे हैं हम पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर फंक्शंस की, आगे जाके हम बात करेंगे द फंक्शंस ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी एंड व्हाई डू वी नीड अ पॉलिटिकल पार्टी, हमें एक पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत क्यों पड़ती है। सो अ क्वेश्चन कम्स हियर, व्हाई डू वी नीड अ पॉलिटिकल पार्टी, हमें एक पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत क्यों है। इससे पहले कि मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करूँ, मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, ठीक है ना। से आप एक रिमोट एरिया में चले जाते हैं, आप एक दूर दराज इलाके में चले जाते हैं, ठीक है ना। वहाँ पहुँच के आपने क्या किया, आपने लोगों के साथ बातचीत की, आपने लोगों के साथ कन्वर्सेशन की, आप लोगों के साथ बातचीत करते हैं, और लोगों के साथ बातचीत करने के दौरान आप उनसे पूछते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि आईन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आईन हिंद।
तो आप उनसे ये पूछते हैं कि कंस्टिट्यूशन क्या होता है। आउट ऑफ 100% सम 30% पीपल कैन आंसर यू। इन अराउंड 30% जो पीपल होंगे जो पढ़े लिखे होंगे वो आपको आंसर कर पाएंगे, तो बाकी जितने भी लोग वो आपको आंसर नहीं कर पाएंगे कि कंस्टिट्यूशन क्या होता है। लेकिन इस कंस्टिट्यूशन के बावजूद अगर आप उन लोगों से पूछते हैं कि बीजेपी क्या है, बीजेपी क्या है या कांग्रेस क्या है, इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि कांग्रेस, क्या आप उनसे ये पूछते हैं कि बीजेपी क्या है या उनसे आप पूछते हैं कि कांग्रेस क्या है, तो वो लोग आपको डायरेक्टली जवाब देते हैं कि बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसका आज प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, और इससे पहले जो गवर्नमेंट थी वो थी कांग्रेस की। ऐसे बोलेंगे वो लोग, इससे पहले जो गवर्नमेंट थी वो थी कांग्रेस की, हाँ उसका एक प्राइम मिनिस्टर हमें याद है जैसे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह, हाँ तो इसी तरह और भी नाम बोलेंगे ये। तो कंस्टिट्यूशन अगर आपको आउट ऑफ 100% 90% लोगों ने आपको ये बता दिया कि पार्टी क्या होता है, बीजेपी क्या है और कांग्रेस क्या है, तो ये कंस्टिट्यूशन क्यों नहीं बताते, कंस्टिट्यूशन क्यों नहीं बता पाए? क्योंकि हमने पढ़ा कि अ पॉलिटिकल पार्टी जो होते ना, हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है, व्हाई डू यू हैव अ पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत क्यों है, तो हम यहाँ पे ये बताना चाहेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज आर इजीली वन ऑफ द मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशंस इन अ डेमोक्रेसी, दे आर द विजिबल। तो दो चीज़ें हमें यहाँ पे निकली, विजिबल एंड एब्स्ट्रैक्ट। विजिबल तो हमने क्या कहा, पॉलिटिकल पार्टी जो है, पॉलिटिकल पार्टी दैट इज अ विजिबल इंस्टीट्यूशन इन अ डेमोक्रेसी, ये विजिबल है। कॉन्स्टिट्यूशन है ना, एब्स्ट्रैक्ट थिंग है, इजीली हम लोगों को ये नहीं समझा पाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। हाँ नो डाउट दे कैन अंडरस्टैंड, ऐसा नहीं कि वो नहीं समझेंगे। अगर हम आपको समझाएंगे, अगर हम आपको सिंपली समझेंगे पॉलिटिकल पार्टी ये एक विजिबल चीज़ है हमारे सामने, लेकिन अगर हम आपको कॉन्स्टिट्यूशन समझाते हैं, इसमें हमें आपको लॉज समझाते हैं, रूल्स समझाते हैं कि यहाँ पे ये होता है यहाँ पे, क्योंकि इनका प्रैक्टिकल हम आपको इमीडिएट प्रैक्टिकल तो हम नहीं बता सकते, पॉलिटिकल पार्टीज़ का हमारे पास इमीडिएट प्रैक्टिकल होता है कि आप नरेंद्र मोदी को देख लीजिए, आप किसी और लीडर को देख लीजिए पॉलिटिकल पार्टी का जो कोई भी हो, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का हमारे पास इमीडिएट जो है प्रैक्टिकल नहीं होता है। सो इसीलिए हम कहते हैं पॉलिटिकल पार्टी इज़ अ विजिबल इंस्टीट्यूशन इन अ डेमोक्रेसी, ठीक है ना। सो क्यों चाहिए हमें पॉलिटिकल पार्टी, डेमोक्रेसी में क्या होता है? डेमोक्रेसी इज अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट विच इज बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल, बाय ऑफ एंड फॉर, लोगों के जरिए, लोगों की और लोगों के लिए। जब लोगों के जरिए होती है तो लोगों की इसमें पार्टिसिपेशन होती है, तो सारे लोग पॉलिटिक्स में या सारे लोग गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हैं? तो इसका एक रूटीन, इसका एक आंसर है, दैट्स इलेक्शंस होते हैं हमारे यहाँ, तो हम इलेक्शंस कहते हैं। हम डेमोक्रेसी में हम क्या कहते हैं, हम इलेक्शंस करते हैं, और इलेक्शंस के ज़रिए हम अपने कैंडिडेट को चूज़ करते हैं, MLA जिसको हम MP के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करता हूँ, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करता हूँ। तो इस तरह से हम अपनी गवर्नमेंट जो है वो चूज़ करते हैं। तो अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं होती, अगर हमारे पास पॉलिटिकल पार्टी नहीं होती तो कैंडिडेट हमारे सामने नहीं आता, नंबर वन, हमारे सामने जो हम पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, नंबर टू, यानी कि हम वोट नहीं कास्ट कर पाते, इलेक्शंस नहीं होते। अब जब इलेक्शंस नहीं होते तो डेमोक्रेसी किस काम की, डेमोक्रेसी पे वहाँ पे क्रास लग जाता। तो दैट्स हाउ वी नीड अ पॉलिटिकल पार्टी। नाउ नेक्स्ट कम्स फंक्शंस ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी। एक पॉलिटिकल पार्टी का जो फंक्शन क्या होता है, से हम कहते हैं सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टी क्या होता है, इट कंटेस्ट इलेक्शंस, कंटेस्ट करते हैं, इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं और अपने एक कैंडिडेट को चूज़ करते हैं। अपना कैंडिडेट चूज़ करा, वो सामने आ जाता है, इमेज बन के सामने आ जाता है लोगों के सामने, और लोग उसको वोट देते हैं, लोग उसको चूज़ करते हैं। और आफ्टर कंटेस्टिंग इलेक्शंस क्या होता है, इट फॉर्म्स गवर्नमेंट। अगर इसकी मेजॉरिटी मिली, इट फॉर्म्स गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट बन जाती है। अब अगर इनका जो, जैसे मैंने आपको अभी समझाया, ABC अगर तीन पार्टीज हैं आउट ऑफ 100
वोट्स क्या होता है, 47 वोट्स ए को मिलते हैं, 33 वोट्स बी को मिलते हैं, एंड 20 वोट्स सी को मिलते हैं, ठीक है ना। तो 47, अब मेजॉरिटी 47 की है, अब 47 गवर्नमेंट फॉर्म कर सकता है, बट अगर बी एंड सी आपस में ले तो इनका जो टोटल जो एवरेज रहेगा, जो इनका टोटल होता है 33 + 20, वो बनता है 53, ठीक है ना, 53 बना, तो टोटल इनका ज़्यादा हो गया, 47 से ज़्यादा 53 बन गया, तो इनकी मेजॉरिटी बन गई, तो ये दो गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हैं, तो ये दोनों जो है वो अपनी गवर्नमेंट बना सकते हैं। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि जिस पार्टी की मेजॉरिटी मिलती है, जिस पार्टी को मेजॉरिटी मिलती है इलेक्शन में, वो पार्टी अपनी गवर्नमेंट बना सकती है। उसके बाद क्या होता है, जो लूजिंग पार्टी होती है, पार्टी से हमने कहा बी एंड सी की गवर्नमेंट बनी, ठीक है ना। अब यहाँ बचा ए, जिसके पास 47 सीट्स थी, अभी बी ए का काम क्या रहेगा, इट विल कम इन अपोजिशन, ये अपोजिशन में आएगा, और अपोजिशन का काम क्या होता है, अपोजिशन का काम ये होता है कि ये देखते हैं कि गवर्नमेंट क्या करती है, अगर गवर्नमेंट कोई ऐसा स्टेप लेते जो लोगों के लिए सही नहीं होगा, जो लोगों के लिए, लोगों के बेनिफिट में नहीं होगा, तो ये उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। अगर हम रिसेंट की बात करेंगे, जैसे कि हमने देखा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब रिसेंटली एक आर्टिकल 370 का जो एब्रिगेशन एक्ट है, एब्रिगेशन अमेंडमेंट था, वो पास हुआ था पार्लियामेंट में, तो वहाँ पे जो कांग्रेस के मेंबर्स थे उन्होंने आवाज़ उठाई थी। हाँ, इस बात में कोई शक नहीं कि उनकी उनका वहाँ पे मैटर नहीं रहा, क्योंकि जो ज़्यादा मेजॉरिटी थी सीट्स की वो वहाँ पे बीजेपी की थी। हाँ, तो इस तरह से जो कांग्रेस, जो कांग्रेस के वोट्स थे वो कम थे, या बाकी पार्टीज के वोट्स जो इस आर्टिकल के अपोजिट में आए, अगेनस्ट आए, वो कम आए, तो इनकी मेजॉरिटी मिली, लिहाजा ये एक्ट पास हो गया। तो ऐसे हम बोलते हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी का जो रोल होता है अपोजिशन में, जो उसका रोल होता है, वो ये होता है कि वो आवाज़ उठाते हैं कि गवर्नमेंट मत कहीं गलत स्टेप उठा रही है, गवर्नमेंट मत कहीं पे कुछ गलत काम कर रही है। कुछ कंट्रीज़ के नाम लेना चाहूँगा और वहाँ पे कौन सा पार्टी सिस्टम चल रहा है वो मैं आपको बताना चाहूँगा, ठीक है ना। जैसे सबसे पहले हम इंडिया की बात करेंगे, इंडिया में हमारे जो है ना, इट्स मल्टी पार्टी सिस्टम। आगे आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए मैं आपको क्लू देता हूँ, मल्टी पार्टी सिस्टम। तो मल्टी पार्टी सिस्टम है इंडिया में, यानी कि यहाँ पे बहुत सारी पार्टीज़ है। अगर आपको याद होगा, मैं लेसन के पहले ही बता दिया था कि यहाँ पे हमारे जो है 750+ पार्टीज़ है यहाँ पे इंडिया में, ठीक है ना। तो इसके बावजूद अगर हम यूके की बात करेंगे, यूनाइटेड किंगडम की बात करेंगे, तो बाई पार्टी सिस्टम है, यानी कि दो ही पार्टीज़ हैं। यूएसए की बात करेंगे तो बाई पार्टी सिस्टम है। अगर हम चाइना की बात करें, रिपब्लिक ऑफ चाइना की बात करेंगे, यहाँ पे द ओनली पार्टी विच इज कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टियाँ, इट इज अलाउड टू फॉर्म अ गवर्नमेंट, सिर्फ इसी पार्टी को इजाजत है गवर्नमेंट बनाने की। सो वी कैन सी दैट देर इज वन पार्टी सिस्टम इन चाइना, वन पार्टी सिस्टम इन चाइना, नो डाउट वी हैव। चलो इसके बारे में जो चाइना का जो सिस्टम है, ये हम आगे आने वाले लेक्चर्स में बात करेंगे। तो फिलहाल आप इनका याद रखिएगा कि हमारा इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है, यूएसए में बाई पार्टी सिस्टम, एंड यूके में भी बाई पार्टी सिस्टम है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज का जो टॉपिक है पॉलिटिकल पार्टीज़, आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो घर में आपको ऐसा रिकैप्चुलेट करना है, क्या करना है, आपको पहले पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो है मीनिंग याद करना है, और उसके बाद आप फंक्शंस याद करेंगे, और मोर ओवर इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी राय होगी, या इससे ज़्यादा वीडियो अच्छा हो सकता था, तो आप मेरे साथ कांटेक्ट में हो सकते हैं। मेरा मेल आईडी है wanianaayan111@gmail.com। तो मेरा मेल आईडी है wanianaayan111@gmail.com। सो थैंक्स, हैव अ नाइस डे, स्टे ब्लेस्ड।